Islamabad airport. We have Chief Justice of Pakistan here. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस नवीद है और लोग मुझे पहले पिछले व्लॉग में खाल द्रोगो कहते थे और इस व्लॉग में मुझे गॉड ऑफ वॉर कहते हैं। यार वैसे इस बंदे की लुक चेक करो यार, बहुत इंटेंस लुक है। मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है इस गॉड ऑफ वॉर सीरीज़ का, इफ़ इट इज़ गोइंग टू हैपन, बट आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स जस्ट अ फैन मेड पोस्टर। खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। जी साकिब निसार साहब, आई वॉज ऑनर्ड to meet him in person at the Lahore airport, Islamabad Lahore airport actually। वैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ बदल गई हैं, मेरे बाल उड़ गए हैं। पिछले व्लॉग में मेरे बाल बड़े थे तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं उमरे पे गया हुआ था। अभी मैं उमरे पे आया हूँ, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी शूट्स व्लॉग्स वगैरह किए हैं, ज़्यारतों की फुटेजेस किए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। लेकिन हम बात करेंगे अभी चीफ जस्टिस साहब की। तो चीफ जस्टिस साहब का सीन ये था कि यार हमारी फ़्लाइट थी जद्दे से कराची, और फिर कराची से डाइवर्ट होके इस्लामाबाद आनी थी। इस्लामाबाद आने वाली जो फ़्लाइट थी वो थंडरस्टॉर्म की वजह से डाइवर्ट हुई और लाहौर गई। लाहौर गई एंड फॉर्चुनेटली हमारे लिए, मेरे लिए अच्छा हो गया कि मुझे चीफ जस्टिस साहब से मिलने का इत्तेफाक आ गया। तो यार ये थोड़े से सीन चेक करो उनके साथ मिलते हुए। अच्छा खैर, चीफ जस्टिस साहब के मिलने के बाद ये था कि यार बहुत एक अजीब एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान में कभी इस तरह के इतना पावरफुल बंदा यार किसी प्रोटोकॉल, एंड बिलीव मी कि एक एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, ठीक है। ही वॉज सिटिंग देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स। हमारी 8 बजे फ्लाइट लैंड की थी लाहौर एयरपोर्ट पर, और हमें कहा गया था कि 9 बजे वेदर रिपोर्ट की चेक होगा और उसके बाद फिर 9 बजे आपको बताया जाएगा कि फ़्लाइट आपकी, हमारी जो इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी वो जाएगी कि नहीं। करते कराते 11 बज गए, यानी कि 8 से लेके 11 बजे तक तो हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे थे, और जब हम पहुँचे 8:15 बजे ये बंदा वहाँ हमें नज़र आ गया। उसके बाद से लेके यार हर बंदा आ रहा है, तस्वीर बना रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, ठीक है। एंड ही वॉज सिटिंग जस्ट लाइक दैट, ठीक है। बिलीव मी, ठीक है, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, और यानी कि मेरे लिए बड़ा एक वो एक शॉकिंग सी चीज़ थी कि यार इस तरह के लोग भी हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। होप तो थी, और लेकिन अब ये हो गया कि चलो एक बड़ी अच्छी होप मिली। तो खैर मैं उनसे मिला, मैंने उनसे सलाम किया और मैंने उनको कहा कि बड़ा यानी कि मेरे लिए शर्फ हासिल है कि मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से स्माइल किया और उन्होंने यूथ का बड़ा, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग यूथ की वजह से ही है सब कुछ ये है। तो खैर मैंने उनको जो है बड़ा थैंक यू किया। खैर उसके बाद सीन ये हुआ कि फिर मैं वापस चला गया फ्लाइट का पता करने 9 बजे 10 बजे। फिर मैंने कहा कि यार उनसे कोई बात करूं, तो उनसे मैंने बात की, एक प्रॉब्लम शेयर किया अपना जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी के साथ बड़ा उसका गहरा ताल्लुक है। बींग अ हाफिज कुरान, मैंने 2003 के अंदर हिफ्ज़ किया था और स्टार्ट किया था हिफ्ज़ यानी कि, और 2006 और 7 के दरमियान में मेरा एंड हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने जब हिफ्ज़ किया था तो मैंने ये चीज़ बड़ी नोट की थी कि मैंने अपना जो टाइम सर्व किया दीन के लिए, ठीक है, कुरान पाक को अरबी में हिफ्ज़ किया है, ठीक है, तो लेकिन उसका मतलब नहीं समझा। खैर वो जो टाइम था मेरा हिफ्ज़ वाला, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बड़ी फील की कि उस टाइम पर अगर मैं यानी कि कुरान पाक को अरबी के साथ साथ सिर्फ ये जो सबक सुनाते हैं हम अपने कार साहब को, उस टाइम मैं सिर्फ तर्जमे के साथ ही उनको पढ़ के सुना देता, तो मुझे यानी कि उन 3 सालों में कुरान के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें पता होती कि कुरान पाक में अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को बड़ा समझता हूँ कि हमारे दीनी मदारिस में, दीनी तालीमी जितने भी इदारे हैं, ठीक है, मदारिस में जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि उसमें हो। तो मैंने ये प्रॉब्लम उनसे डिस्कस की चीफ जस्टिस साहब से, और सबसे बड़ी बात यार ये थी कि 3 घंटे वो बंदा बैठा रहा है और उसने हर बंदे की बात सुनी है 3 घंटे, ठीक है। देर वर मोमेंट्स दैट ही वॉज सिटिंग अलोन, नो बडी वॉज देयर।
ठीक है, ही वाज सिटिंग फ्रीली एंड यही मेरे लिए बड़ी वो बड़ी अजीब सी बात थी कि यार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यार ही इज सिटिंग लाइक एन ऑर्डिनरी मैन एंड दिस इज यानी कि उससे मुझे यानी कि हालांकि उमरा करके मैं अदा करके आया, मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड भी था, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था कि यार मुझे उनसे क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये बात उनसे जो मेरे दिल के को यानी कि मेरे यानी कि पर्सनली मैं इस चीज़ को बड़ा समझता था कि ये होनी चाहिए थी, तो मैंने ये उनसे डिस्कस की कि हमारे तालीमी इदारों में जितने भी मदारिस हैं उसमें, तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया। उनको मैंने बताया कि मैं भी हफ्ज़ कुरान हूँ माशाल्लाह से 7 साल 8 साल हो गए, मैं तरापियाँ भी सुना रहा हूँ, मैंने मस्जिद में भी सुनाई, मैंने घर में भी सुनाई हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं मिस करता हूँ, तो उन्होंने एग्री किया। तो अल्लाह करे यार अगर इस तरह हो जाता है तो हमारे जितने भी नेक्स्ट हुफाज़े कराम हैं उनको ये होगा कि हम जो है दीन की साथ साथ जो अरबी हमने याद कर रहे हैं उसके साथ हम तर्जमा भी हमें पता हो ताकि हम उसको बामल एक मुस्लिम बना सकें। ठीक है, कोशिश तो मैं भी करता हूँ, हर इंसान करता है, जो बेसिक्स है हमें पता है लेकिन इन डेप्थ नहीं पता। और दीन के हवाले से अगर कोई भी बात की जाए हमारे जो मुल्ला लोग हैं, ठीक है, तो मैं उनसे बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। बहुत कम लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, जिनको मैं समझता हूँ कि यार वो अच्छी सलाह करते हैं, बिलखसूस जैसे तारिक जमील साहब हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वो ख़ुद कहते हैं कि भाई तुम मेरी बात फेंक के मार दो, तुम कुरान पाक जाके खोलो, तुम खुद तर्जमा पढ़ो, तुम खुद रिसर्च करो, मेरी बात ना मानो, वो ये कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ही मुझे एक लीडर की या एक ऐसा इंस्पिरेशन की तलाश है कि यार जो आपको कुरान या हदीस की तरफ इन्फ्लुएंस करे कि आप खुद जाएं, आप मुताला करें, आपको पता चलें चीज़ें कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या क्या बातें की हैं। तो ये बात थी, मैं चीफ जस्टिस साहब से मिला, तो ये मेरी स्टोरी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए। और काफ़ी सारी चीज़ें थी उन्हें यानी कि थैंक यू करना था, वो 100 रुपये वाले कार्ड के लिए जो 100 रुपये आप डलवाते हो भाई, अब 93 रुपये आपको आते हैं। और अपने बालों की कहानी भी बताऊंगा, जिस तरह वो शेव वो भी हुआ। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल हेयर और प्रीवियस वीडियो इधर, प्रीवियस इधर कर लो और सब्सक्राइब इधर कर लेते हैं, ठीक है, हाँ सब्सक्राइब इधर, प्रीवियस वीडियो इधर, आप जो हैं इधर आ जाएंगी चीज़ें और सब्सक्राइब, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, बाकी सीन्स चेक करें।